आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे कौन कौन से स्टेट्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो जब भी आपका जेईई मेंस स्कोर आता है, वो परसेंटाइल अभी आएगा आपका, अगर आप अभी एग्ज़ाम दे दोगे जनवरी में, उसके बाद फिर अप्रैल में एग्ज़ाम दोगे और फिर आपकी उधर भी परसेंटाइल आएगी और फाइनल एक रैंक बनती है। उस रैंक के बेसिस पे आपको बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। अभी तक आपने IIT सुना होगा, बहुत लोगों ने हो सकता है IIT के बाद NIT सुना हो, IIIT सुना हो, IIIT के बाद भी होता है एक GFTI जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से कॉलेज चलता है, ये होते हैं। इसके बाद भी कॉलेजेस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में कॉलेजेस होते हैं। तो उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। बेसिकली काउंसलिंग आपको ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे आप अपनी जेई के रैंक डालते हो, उसके बेसिस पे बहुत से लोगों को कॉलेजेस वहाँ पे अलॉट होते हैं। होता क्या है कि इन कॉलेजेस के अलॉट होने के बाद भी सीट्स खाली रह जाती है तो अलग से भी स्पॉट की काउंसलिंग अरेंज कराई जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो काउंसलिंग के टाइम में हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जिसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टेट की काउंसलिंग की डेट अभी है या आने वाली है, ऐसी बातें। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। UPTU की काउंसलिंग होती है जिससे कि जेईई मेंस के बेसिस पे आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIT झांसी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह की भी काउंसलिंग उसी से होती है। उसके अलावा MMUT गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर भी अपनी अलग से काउंसलिंग करवाता है जेईई मेंस के बेसिस पे। HBTU कानपुर की मैं बात करूंगा तीसरा। सारी की सारी चीजें आपको यहां पे साइड में दिख रही होगी। तीसरी बात HBTU कानपुर की कर रहा हूँ, ये भी जेईई मेंस के बेसिस पे करता है। जब इनकी डेट्स आएगी तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताऊँगा कि डेट्स इनकी आ गई है, आपको रजिस्टर करना है नहीं करना है और किस रैंक पे करना है, वो बातें भी हम लोग करेंगे जेईई मेंस की रैंक आने के बाद। इसके बाद होता है आपका हरियाणा के अंदर HSTES नाम की काउंसलिंग होती है। हरियाणा के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होती है, जहाँ पे YMCA फरीदाबाद हो गया, डीक्रस्ट सोनीपत जैसे कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा दिल्ली के अंदर होती है GGSIPU की काउंसलिंग, जहाँ पे MAIT दिल्ली, USICT हो गया, MSIT दिल्ली, ऐसे ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँगा जैक दिल्ली की। जैक दिल्ली के अंदर आप DTU, NSUT इन सब के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट कई NIT से ऊपर इन कॉलेजेस को रखा जाता है, DTU, NSUT दिल्ली वगैरह को। IGDTUW है वहाँ पे, जहाँ पे लड़कियों को बहुत कम रैंक पे भी एडमिशन वहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद जैक चंडीगढ़ आ जाता है। जैक चंडीगढ़ के अंदर क्या होता है कि आपको चंडीगढ़ के अंदर जो चार कॉलेजेस हैं आपके पास, UIT चंडीगढ़ हो गया, UIT होशियारपुर हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेजेस हैं, और CCET चंडीगढ़, ये चार के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। थोड़ी सी रैंक आपकी कम रहती है, 1-1.5 लाख के आसपास भी, तो भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल 80-85 के आसपास बनती है तो ये स्टेट के कॉलेजेस आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं। इनफैक्ट बहुत कम रैंक होने के बाद भी, इवन मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ जेईई मेंस के अंदर बैठ जाते हो फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, बस आपको सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इन चीज़ों के अंदर। बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं, जैसे मैं बात करूं झारखंड के अंदर JCECE की काउंसलिंग होती है, जहां पे झारखंड के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। BIT सिंदरी जैसा टॉप नॉच कॉलेज वहां पे आपको देखने को मिलता है। इवन झारखंड के अंदर सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स वहाँ पे कर सकते हैं काउंसलिंग। तो ये होता है कि जो बच्चे झारखंड के, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा बिहार की बात करूँ तो बिहार में भी सिर्फ बिहार के बच्चे कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर होता है OJEE की काउंसलिंग, वो भी आपका जेईई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करती है, वहाँ भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं बात करूँ CET भुवनेश्वर की, बहुत बढ़िया सा कॉलेज है। MPDTE की मैं बात करना जो है यहाँ पे नहीं भूलूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत शानदार कॉलेजेस हैं आपके पास। मैं बात करूँ JEE जबलपुर की, मैं बात करूँगा MITS ग्वालियर की, मैं बात करूँगा SGSITS इंदौर की, ITDAVV की, ये सब बहुत शानदार कॉलेजेस। इवन MP के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, तो आप MPDT को भी टारगेट कर सकते हो।
हाँ, आप जोसा, सीसैब, ये सब काउंसलिंग होती है, लेकिन अगर आपके रैंक बहुत कम है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, आपको ब्रांच तो सीएससी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप किसी भी स्टेट के टॉप के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी अच्छी होती है उस कंडीशन में तो। बाकी आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो स्टेट की काउंसलिंग्स के अंदर आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। रीप राजस्थान की भी काउंसलिंग होती है, जहाँ पर राजस्थान के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पर आपको लिस्टेड मिल जाएगी, सारी की सारी जितनी भी काउंसलिंग होती है। एक एक काउंसलिंग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आज से इस चीज़ को मैं स्टार्ट करूंगा, सेपरेट वीडियो बनेगी, और कौन कौन से यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं, किस रैंक पे इन कॉलेजेस के अंदर कौन सी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल रही होती है। बाकी हमारी अभी कॉलेज को रिव्यू करने की प्लेलिस्ट तो साथ ही साथ चल रही है, उसको भी आप एक्सेस करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और हमें बताएं कि इनमें कौन कौन से और कॉलेजेस का हम रिव्यू कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, आगे काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होने वाली है।